यूक्रेन में हिंदुस्तानी स्टूडेंट के साथ हो रहा है टॉर्चर। लड़कियों के साथ यूक्रेनी आर्मी कर रही है बदसलूकी। देखिए कैसे सामान ले जाते हुए स्टूडेंट को यूक्रेनी आर्मी का एक सिपाही बूट से मार रहा है। यूक्रेन से पोलैंड बॉर्डर तक का सफर हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स के लिए किसी मौत से कम नहीं है। पोलैंड बॉर्डर के बाद से भारत सरकार की मदद शुरू होती है, जहां से सरकार उनकी वतन वापसी करवा रही है। लेकिन इतनी दूर तक का सफर करते वक्त ये लोग कई बार जीने की आस तक छोड़ देते हैं। यूक्रेनी आर्मी के दहशत और टॉर्चर की कहानी सुनिए एक मेडिकल छात्रा की जुबानी। हम लोग ने बाद में काफी प्लीड किया, हमारे साथ हमारे इंडियन बॉयज ने काफी प्लीड करने के बाद उन्होंने सिर्फ इंडियन गर्ल्स को पहले एक्सेप्ट किया और उसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने बहुत मारा इंडियन बॉयज को। बॉयज को मारने के बाद दे इवन टॉर्चर्ड बॉयज, और टॉर्चर कैसे किया, जिसको आस्थमा था उसको स्टम करके उस हम सबको दिखाया कि हाउ ही इज ब्रेथलेस। उसके बाद रात को आई थिंक अराउंड 11-12 बजे यहाँ पे आने के बाद जो गार्ड्स थे उन्होंने बाद में लाइन में हम लोग अंदर गए तो अंदर वीजा में देयर इज सम गेम कुछ तो जो आपको खेलना है हंटर गेम करके, मुझे नहीं पता वो क्या होता है। उधर जाने के बाद वो रॉड लेके खड़े थे, गन लेके खड़े थे और फिर उसके बाद हमें उन्होंने बोला कि दिस इज यू हैव टू आपको ये गेम खेलना है उससे वीजा मिलेगा। और जो जो लोग वहाँ पे थे उनको लात से मारा है, हाथ से मारा है, लड़का है लड़की कुछ नहीं देख रहे यहाँ पे। इंसाफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। लिटरली पहला कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग अपनी सरकार को सुनते हैं पर उस सरकार ने हम लोग को ये ऑफर दिया गया जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। हमें शर्म आ रही है दूसरी कंट्री के सामने कि हमारी कंट्री कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बचा के हम खुद बच के आए।